की तरफ हम चलते हैं, तो क्राउड का लड़का जैसे कि आप देख सकते हैं शॉट लेने की कोशिश, और उन्होंने वैक्सी को वहां पे नॉक किया, और देखते हैं उनका किल भी मेरे हिसाब से कंफर्म कर लेगी। टीम मावी वर्सेस टीम ऑरेंज रॉक के बीच में फाइट यहाँ पे इनिशिएट हो चुकी है। एक किल जो यहाँ पे कंफर्म कर लिया, नोबिता ने यहाँ पे रणदीप को जो है नॉक किया है, उनका किल भी कोई मूवमेंट पे कंफर्म करते हुए हमने देख सकते हैं। एंड स्काउट मेरे हिसाब से स्काउट और वह भी काफी क्लोज है। गिल की तरफ चार्ज करने की कोशिश, गिल को स्पॉट किया बट 420 ओपी पीछे से कवर फायर देते हैं और वहां पे उनको नॉक कर देंगे। आदित्य को मेरे हिसाब से यहाँ पे स्पॉट किया है मावी ने, आदित्य भी यहाँ पे स्पॉट करते हैं मावी को, शॉट लेने की कोशिश बट आदित्य वहां पे वेव कर देते हैं मावी को, यहाँ पे पहले उन्होंने स्पॉट करेंगे एंड एक अच्छी सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। ग्रेनेड उन्होंने यहाँ पे निकाला, क्या ये ग्रेनेड कनेक्ट होगा, लेट्स सी। बट प्रॉपर टाइम पे जो है ओआर के प्लेयर्स घर के अंदर चले जाते हैं। मावी लेट्स सी 1v2 की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है, और एक ग्रेनेड जो है उन्होंने वहां पे निकाल के रखा है। आदित्य को हील करना पड़ेगा बट श्राउड का लड़का जो है वहां पे नॉक डाउन हो जाएगा, पीछे से बैक स्टेप भी होते दिख जाएंगे। 420 ओपी के ऊपर यहाँ पर रश आता हुआ दिख जाएगा, बस श्राउड के लड़के को वहां पे नॉक कर दिया। मावी के पास ये प्रॉपर सिचुएशन होगी चार्ज करने के लिए, 420 ओपी के ऊपर मावी को यहाँ पे स्पॉट कर दिया जाएगा एंड 420 ओपी यहाँ पे तीनों प्लेयर को अकेले एलिमिनेट करते हुए दिख जाएंगे एंड टीम मावी यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए